हुआ है उसको उम्र पे। कहाँ से मिल गया? अंजलि माँ से दी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। तो फ्रेंड ये देखिए मेरे पीछे नर्सरी का व्यू कुछ इस तरह से है। देखिए चारों साइड हरियाली हरियाली है। तो ये हमारा मायके का नर्सरी है, तो वो मैं आप लोग को बाद में दिखाती हूँ। तो अभी चलिए, अभी वहाँ पे ना बैठ के चूल्हे पे चाचा चाची बना रहे हैं रोटी, तो अभी हम जाके हेल्प कर रहे थे क्योंकि चाची का तबीयत ख़राब है, तो अभी हम बना लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो आप लोग बने रहिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ना यहाँ पे कोयला का चूल्हा जला हुआ है, एक साइड लकड़ी का भी चूल्हा बना हुआ है, लेकिन अभी लकड़ी नहीं जला हुआ है, कोयला जला हुआ है। यहीं पे चचा ना अभी बना रहे थे रोटी, तो हम बोले कि दीजिए हम बना देते हैं। तो यहाँ पे बगल में चाची भी बैठी हुई है, चचा भी बैठे हुए, छोटे चचा भी है। तो हमारे देखिए गांव देहात में मायके में किस तरह से खोठे से बात कर रहे हैं ना पीछे बैठ के। तो हमारे यहाँ मायके में ना खोठा से ही बात होते हैं। तो अभी वो सब ना अपने नर्सरी के बारे में कुछ कुछ दोनों चचे बातें कर रहे थे, और यहाँ पे हम और सिस्टर दोनों रोटी बना रहे हैं। भुजिया ना चाची बना रही थी और आटा भी पहले से सान के चाची ही रखी थी, तो अभी हम दोनों ना बना लेते हैं। क्योंकि ये चाची का छोटा बेटा है ना आयुष, वो अभी स्कूल का टाइम हो गया, तो उसका टाइमिंग स्कूल का 7 बजे रहता है, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर रोटी और भुजिया बन गया हमारा। उसके बाद ना फिर हम यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए आ जाते हैं। और यहीं पर ना ये नर्सरी में फूल है ना, तो इस तरह इधर डाली है, तो यहाँ जितने भी फूल हैं तुलसी पीना के पास सारा इधर ही गिर जाते हैं। तो ये देखिए हम औरत का ना कहीं भी चैन नहीं है, मायके आते ही लग गई हम काम पे, और औरत को तो कहीं भी आराम नहीं मिलते, जहाँ भी जाए उसे काम। गड्डू आ गया घूम के, हगू करने गया था। ये देखिए बकरी का बच्चा कितना प्यारा था। लो गोदी लो, गोदी लो। और यहाँ पे देखिए सिस्टर अभी पाइप लगा के ना पूरा आंगन को धो लिया, और बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी ये धो रही है, देख सकते हैं कितना फिसलन टाइप में हो गया है ना यहाँ पे। उसके बाद ना हमें यहाँ पे देखिए सारे बर्तन थे रात का, वही मैं अभी धो दे रही हूँ। देखिए काला वाला जो बर्तन है ना वो कल का था, यहाँ पे धान रोपाई हो रहे थे ना, तो इसलिए लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाए थे, तो यहीं पे मैं सारा बर्तन बरंडा में ही धोती हूँ। फिर ना सारे बर्तन वगैरह घुसा के, और यहाँ पे पानी ना इधर आ गए थे, तो इसी को अभी हम झाड़ू से इसको ऐसी वाला मशीन। और ये देखिए कितने सारे पानी यहाँ पे ना, बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होते। धुसका मंगा दे, हाँ बोल दे रहे ऐसा हो जाएगी, खाएगी बोले दोनों दोनों नहीं बोलो ना, रो खा रही है तू। धुसका खाइएगा कि जलेबी? धुसका, ओ फुचका मंगा दे रहे। अब बंद कर दियो वीडियो। तो यहाँ पे देखिए अभी मम्मी ना यहाँ जहाँ पे गाय रहती है ना वहाँ पे अभी झाड़ू लगा दे रही है, गोबर सारा उठा के फेंक ली है। और यहाँ पे मम्मी आ रही से भी बातें कर रही है, और हम यहाँ पे आ गए हैं मम्मी को देखने के क्या कर रही है। तो देखिए यहाँ पे हम सब्जी बना रहे हैं, और मेरे पीछे देखिए डुग्गू बैठा हुआ है। ये देखिए डुग्गू, डुग्गू डुग्गू क्या कर रहा है, रोटी खाएगा? अरे क्या खा रही है, क्या है? मकई डुगू को देगी? दे दो ना एक ठो। अरे मकई नहीं दिखाओ, सब ले लेगा। तो डुगू यहाँ बैठा हुआ है, वेट कर रहा है खाना का, कब बनेगा। रोटी भुजिया खा लिया है डुगू, है ना डुगू? देखिए डुगू कैसे खा रहा है मकई, देखिए मिला हुआ उसको मक्के।
कहाँ से मिल गया? अंजलि माँ से दी है। ये देखिए डुग्गी को। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अभी हम बना रहे हैं अरबी का सब्जी, जो कि हमारे गांव देहात में इसे टोटी और इट्टी भी बना जाता है। तो वही देख सकते हो, मैं वही बना रही हूँ। और इधर देखिए आ रही सारी मकई बैठ के, तो देखिए हम सब्जी बना रहे हैं। इसलिए हम नमक डालते हैं। तो ये देखिए अभी हम बना रहे हैं अरबी का सब्जी, नमक डाल के हल्दी डाल के लिए हैं। और अब देखिए ये रहा मसाला, डाल देते हैं। इसको भी ढक देते हैं, इसके बाद फिर पानी डाल देंगे। जितने डब्बे वगैरह है ना, सब घुसा के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉगी जो डुग्गू है ना, वो बहुत बदमाशी करता है, तो सब घुसा के आते हैं। तो पानी डाल के ढक देंगे और चलेंगे नहाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा ला कर रखे हुए थे, तो ही चलते हैं नहाने के लिए। अरे हम नहाने के लिए आरोही को नहीं नहा देंगे, क्योंकि यहाँ वहाँ का पानी हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, तभी हम चलते नहाने। उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ मैं। तो फ्रेंड अभी देखिए मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और ये देखिए अभी ये मेरा नाश्ता भी लेके आ रहे हैं खाने के लिए। और इधर देखिए सिस्टर आई है बकरी चरा के, ये देखिए छाता में छुप रही है। तभी हम लोग चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तभी आ गए हैं हम लोग छोटी चाची के पास। ये देखिए खा रही है क्या क्या अकेले अकेले। अभी हम और बिट्टू खाते हैं नाश्ता भी और खाना भी। और यहाँ पे देखिए फिर हम और चाची यहाँ बैठ के ना नाश्ता भी कर रहे। देखिए रोटी मेरा प्लेट में भी है, चावल भी है, और तीन तरह का सब्जी, दाल भी है कटोरी में, चार तरह का सब्जी है। तो ये दोनों मतलब छोटी चाची और सुनील चाची यहाँ पे अलग अलग खाना बनता है, तो दोनों जगह से सब्जी वगैरह ले लिया। तो ये यहाँ पर आने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है एक दूसरे से यहाँ मिल बाँट के खाने में। और फिर यहाँ पर आ रही भी आ जाती है, फिर अचार भी ले लेते हैं, तो मेरा पाँच तरह का हो जाता है यहाँ पर। तो आई होप कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।